हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे एक ऐसे बड़े गेम की जो करोड़ों दिलों पर राज करती है। ये एक ऐसा गेम है जिसके लिए लोग अपना अपना काम धंधा कुछ देर के लिए बंद कर देते हैं और इस गेम का आनंद उठाते हैं। इस गेम का नाम है आईपीएल। आईपीएल एक शॉर्ट नेम है, फुल नेम का बात करें तो इंडियन प्रीमियर लीग बोलते हैं। ये इंडिया का एक सबसे बड़ा गेम है जो कि कुछ दिनों के लिए ही होता है और इतने दिनों में ही किसी को मालोमाल कर देता है तो किसी को कंगाल कर देता है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इस आईपीएल के बारे में। चलिए जानते हैं कि इस गेम का शुरुआत कब हुआ था और किसने किया था। इस गेम में कितने टीम्स होते हैं, क्या क्या नाम है उन टीम का और इसमें कितने सीजन होते हैं, इस गेम को हैंडल कौन करता है, फंडिंग कौन करता है और ये कितने दिनों तक चलता है, तो चलिए इस वीडियो का शुरुआत करते हैं। दोस्तों अभी 2023 चल रहा है। आज से 16 साल पहले यानी 2007 में आईसीएल को स्टार्ट किया गया जिसका पूरा नाम इंडियन क्रिकेट लीग था। आईसीएल को जी इंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेज द्वारा फंडिंग देने पे स्टार्ट किया गया था। आईसीएल को ब्रांड ऑफ कंट्रोल टू क्रिकेट इन इंडिया यानी बीसीसीआई या इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं था और बीसीसीआई अपने समिति के मेंबर्स के आईसीएल कार्यकारी बोर्ड में शामिल होने से खुश नहीं था। प्लेयर्स को आईसीएल में शामिल होने से रोकने के लिए बीसीसीआई ने अपने डोमेस्टिक टूर्नामेंट की प्रीज मनी को बढ़ाया और आईसीएल में शामिल होने वाले खिलाड़ियों पर आजीवन प्रतिबंध भी लगाया जिसे बोर्ड द्वारा एक विद्रोही लीग भी माना जाता है। दिन बीते गए और आईसीएल को आईपीएल नाम में डिजाइन कर दिया गया। नाम डिजाइन करने का मेन उद्देश्य ये था कि आईपीएल को देश भर के मैदानों में इसकी फैंस की पूरी जनरेशन को लुभाया जा सके। ये डिजाइन यूथ फैंस को भी लुभाने में एक अहम किरदार निभाता है जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। 13 सितंबर 2007 को 2007 के T20 वर्ल्ड कप में इंडिया के जीत के बाद बीसीसीआई ने आईपीएल नामक फ्रेंचाइजी आधारित T20 क्रिकेट कॉम्पिटिशन की घोषणा किया गया। पहला सीजन अप्रैल 2008 में न्यू दिल्ली में एक हाई प्रोफाइल समारोह में शुरू होने वाला था। बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट ललित मोदी जिन्होंने आईपीएल के प्रयास का बढ़ावा दिया, फ्रेंचाइजी रेवेन्यू सिस्टम और डिश संरचना नियमों सहित टूर्नामेंट के फॉर्मेट को डिटेल में बताया। यह भी पता चला कि आईपीएल को इंडिया के पुराने खिलाड़ियों और बीसीसीआई के अधिकारियों से बनी सेवन मैन गवर्निंग काउंसिल द्वारा चलाया जाएगा और आईपीएल की टॉप दो टीम उस साल के चैंपियन लीग 2020 के लिए क्वालिफाई करेंगी। लीग का फॉर्मेट इंग्लैंड प्रीमियर लीग और यूनाइटेड स्टेट के एनबीए से मिलता जुलता था। नई लीग के लिए मालिकों का फैसला करने के लिए 24 जनवरी 2008 को लगभग $400 मिलियन की लागत वाली फ्रेंचाइजी की कुल आधार कीमतों के साथ एक अंत में विजेता बोली लीग वालों की घोषणा की गई। साथ ही जिन शहरों में टीम बेस्ड होगी जैसे बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, मोहाली और मुंबई। लास्ट में सभी फ्रेंचाइजी $724 मिलियन में बिक गई और इंडिया क्रिकेट लीग आईसीएल जल्द ही 2008 में बंद हो गया। उसी साल मुंबई टेररिस्ट अटैक भी हुआ था और उस अटैक में पाकिस्तान की भागीदारी के कारण पाकिस्तानी खिलाड़ियों को लीग में भाग लेने की अनुमति नहीं है। हमले के कारण 166 लोग मारे गए थे और 238 लोग घायल हुए थे। उस अटैक ने बहुत सारे इंडियन को नाराज कर दिया जिसके कारण आईपीएल में पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर बैन लगा दिया गया। 21 मार्च 2010 को दो नए फ्रेंचाइजी पुणे वॉरियर इंडिया और कोचि तुर्कस केरला 2011 में चौथे सीजन से पहले लीग में शामिल है। सहारा एडवेंचर स्पोर्ट ग्रुप ने पुणे की फ्रेंचाइजी को $370 मिलियन में खरीदा जबकि रेडिजन स्पोर्ट वर्ल्ड ने कोचि की फ्रेंचाइजी को $333.3 मिलियन में खरीदा। हालांकि एक साल बाद 11 नवंबर 2011 को यह घोषणा की गई कि कोचि तुर्कस केरला पक्ष को बीसीसीआई की शर्तों का उल्लंघन करने वाले पक्ष के बाद समाप्त कर दिया जाएगा। फिर 14 सितंबर 2012 को टीम को नया मालिकों को खोजने में सफल न होने के बाद बीसीसीआई ने घोषणा किया कि 2009 के चैंपियंस द डीकन चार्जर्स को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। फिर पुणे वॉरियर इंडिया ने 20 मई 2013 को बीसीसीआई के साथ फाइनेंशियल डिफरेंसेस को लेकर आईपीएल से वापस ले लिया। 14 जून 2015 को यह घोषणा किया गया कि दो बार के चैंपियंस चेन्नई सुपर किंग्स और शुरुआती सीजन चैंपियंस राजस्थान रॉयल्स को स्पोर्ट फिक्सिंग और सट्टेबाजी कांड में
उनकी भूमिका के बाद 2 सीजन के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा। COVID-19 महामारी के कारण 2020 सीजन के लिए जगह बदल दिया गया था और गेम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में खेला गया था। अगस्त 2021 में BCCI ने घोषणा किया कि 2022 सीजन से शुरू होने वाली लीग में 2 नया फ्रेंचाइजी शामिल होंगी। यह भी घोषणा किया गया था कि फ्रेंचाइजी BCCI चुने गए 6 शहरों में से 2 में स्थित होंगी, अहमदाबाद, लखनऊ, कटक, गुवाहाटी, रांची और धर्मशाला। 25 अक्टूबर को आयोजित बैनबोली में RPSG ग्रुप और CBC कैपिटल ने दोनों टीमों के लिए बोलियां जीती। RPGS ने लखनऊ के लिए 7,000 करोड़ का भुगतान किया, जबकि CBC ने अहमदाबाद में 5,200 करोड़ का भुगतान किया। टीमों को बाद में लखनऊ सुपर जेंट्स और गुजरात टाइटन नाम दिया गया। दोस्तों, ये गेम को 10 टीमों के साथ खिलाया जाता है। ये 10 टीम इंडिया के 10 अलग अलग शहरों से मिलकर बने हैं। चेन्नई सुपर किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स, गुजरात टाइटन्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, लखनऊ सुपर जेंट्स, मुंबई इंडियंस, पंजाब किंग्स, राजस्थान रॉयल्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, सनराइजर्स हैदराबाद। अगर ऑनर्स और कैप्टन की बात करें तो CSK का ऑनर N. श्रीनिवासन और कैप्टन MS धोनी हैं। DC का ऑनर साजन जिंदाल, GM राव हैं और कैप्टन डेविड वार्नर हैं। GT का ऑनर्स स्टीव कोटल्स, डोनाल्ड मैकेंजी, रॉयल वैन रैपिड हैं। इसका कैप्टन हार्दिक पांड्या हैं। KKR के ऑनर शाहरुख खान, जूही चावला, जय मेहता हैं और इसका कैप्टन नीतीश राणा हैं। LSG का ऑनर संजीव गोयनका है और कैप्टन LK राहुल हैं। PVKS का बात करें तो इसका ऑनर मोहित बर्मान, नेस वाइडा, प्रीति जिंदा, करण पॉल हैं और इसका कैप्टन शिखर धवन है। RR की बात करें तो इसका ऑनर मनोज बादल, लचलन मर्दोच, गेरी गार्डियल हैं और इसका कैप्टन संजू सैमसन है। MI की बात करें तो इसका ऑनर मुकेश अंबानी है और इसका कैप्टन रोहित शर्मा है। RCB की बात करें तो इसका ऑनर यूनाइटेड स्पिरिट्स है और इसका कैप्टन पाप डू प्लेसिस है। SRH की बात करें तो इसका ऑनर कलानिधि मरन है और इसका कैप्टन आइडन मर्कराम है। इंडियन प्रीमियर लीग को टाटा के स्पॉन्सरशिप रीजन के कारण IPL को टाटा IPL के रूप में भी लिया जाता है। ये मर्दों की T20 क्रिकेट लीग है जो इंडिया में हर एक साल खिलाया जाता है और 10 शहरों की फ्रेंचाइजी टीमों द्वारा लड़ाया जाता है। कंपटीशन आमतौर पर गर्मियों में यानी मार्च और मई के बीच खिलाया जाता है। IPL दुनिया में सबसे लोकप्रिय क्रिकेट लीग है और 2014 में सभी खेल लीग में से 6 रैंक पे आया था। 2010 में IPL YouTube पर लाइव चलाने वाला दुनिया का पहला गेम कंपटीशन बन गया। 2022 में IPL का ब्रांड वैल्यू 90,038 करोड़ था। BCCI के अनुसार 2015 के IPL सीजन में इंडिया का GPD में 1,150 करोड़ का योगदान दिया था। कंसल्टिंग फर्म DNP एडवाइजरी की एक रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2022 में लीग 2020 के बाद से डॉलर के संदर्भ में 75% की ग्रोथ करते हुए 10.9 बिलियन की वैल्यू हो गया था, जबकि इसका कीमत मात्र 6.2 बिलियन डॉलर है। दोस्तों, अभी तक टूर्नामेंट के 15 सीजन हो चुके हैं, जिनमें अभी के टाइटल होल्डर्स गुजरात टाइटन्स हैं, जो कि 2022 के फाइनल गेम में राजस्थान रॉयल्स को हरा के टाइटन होल्डर्स का खिताब जीता था। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, वीडियो के कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए आप भी इस गेम का आनंद उठाइए और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कीजिए, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आपके पास मिले। थैंक यू।